मामूली रुपए के लेन देन के विवाद में एक दिन पूर्व ही एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मिशनपुर थाना क्षेत्र के डी लाही गांव में हुए हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन करते हुए एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। श्री एसपी सागर कुमार ने बताया कि बुधवार की देर शाम विक्की कुमार दास की हत्या कर दी गई थी। डीलाई गांव के ही रहने वाले अकुल दास के पुत्र करण दास सहित दो नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने करण दास को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन करते हुए दूसरे नामजद आरोपी स्वर्गीय सत्तो शर्मा के पुत्र सुधीर कुमार शर्मा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। श्री एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करण दास का रुपया बकाया था। रुपया मांगे पर तीनों के बीच विवाद हुआ और दोनों आरोपियों ने मिलकर करण दास की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। श्री एसपी ने बताया कि फरार आरोपी सुधीर कुमार शर्मा का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान विशनपुर थाना अध्यक्ष अकमल खुर्शीद सहित कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। किशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही गांव में दिनांक 22-23 की रात्रि में विक्की कुमार दास की हत्या कर देने की घटना की सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई थी। तो इस संबंध में घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन फोटोग्राफी था वो किया गया। इसके अलावा जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया है और अग्रतर अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष विशनपुर एवं थाना के अन्य पदाधिकारी कर्मियों के सहयोग से इस हत्या के कांड का उद्भेदन 24 घंटों के भीतर किया गया है एवं इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जिनका नाम सुधीर कुमार शर्मा है और ये स्वर्गीय सत्तो शर्मा के पुत्र हैं एवं बिलाही विशनपुर के रहने वाले हैं। तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना संलिप्तता को स्वीकार किया है और जो इनके सहकर्मी थे जो साथ में थे घटना में उनका भी नाम का खुलासा किया है। परंतु जब तक हम लोग गिरफ्तारी नहीं कर लेते हैं अभी उनका नाम का हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है वो प्रयासरत हैं। इस संबंध में 61-23 कांड संख्या दर्ज किया गया है और आपराधिक इतिहास जो है उसका पता किया जा रहा है। सर मोटिव क्या था इसका, मोटिव क्या था? हत्या का जो कारण है जो उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है वह पैसों के लेन देन के विवाद से संबंधित है। दोनों जो है वो राजमिस्त्री एवं मिस्त्री का काम करते थे तो उसी के लेन देन को लेकर के मतभेद था जिसमें कि ये घटना को कारित किया गया। लेबर की मौत हुई है सर या मिस्त्री की मौत हुई? इसमें जो मौत हुई है वो मिस्त्री का जो है वो हुआ। क्या कुछ बरामद हुआ है? इसमें बरामदगी अभी शून्य है। इसमें द्वितीय अभियुक्त जो दूसरे अभियुक्त हैं वो फरार हैं, मे बी उनके गिरफ्तारी के बाद बरामदगी संभव हो। इसमें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो हत्या का कारण है वो स्पष्ट हो पाएगा। तो क्या ये दोनों मतलब साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो चला रहे थे ये लोग काम? ये लोग बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, छोटे स्तर। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।